साथियों, टीएमसी की सरकार के रवैये के कारण पश्चिम बंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है। टीएमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडिल क्लास भुगत रहा है। मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूं। जारिया और रानीगंज कोल फील्ड का प्रोजेक्ट हमने लगभग 6 साल पहले शुरू किया था, लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। 18,000 करोड़ रुपए का, ये आंकड़ा याद रखिए, 18,000 करोड़ रुपए जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी 4 साल से पेंडिंग पड़ा है। राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्वर से विष्णुपुर रेल लाइन का काम भी रुका पड़ा है। हजारों करोड़ रुपए के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स जिनके लिए केंद्र सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि टीएमसी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है। पूरे देश में मोदी ने 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं, पक्के घर मिल चुके। वो पक्के घर में दिवाली होली मना रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाख घर हमने स्वीकृत किए हैं। इसके लिए 42,000 करोड़ रुपए, 42,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही, अड़ंगे डाल रही है, रुकावटें पैदा कर रही है। आप मुझे बताइए, पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? जल्दी से जल्दी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? अच्छे से अच्छे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? क्या ये टीएमसी वाले बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी, अगर करेगा तो मोदी करेगा। मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में आई हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं। आप जानते हैं, केंद्र सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है। हर घर में पाइप से पानी पहुंचने के लिए काम हो रहा है। 4 साल के भीतर ही पूरे देश में 11 करोड़ से ज्यादा नए परिवारों को पाइपलाइन से, नल से जल की सुविधा मिली है। लेकिन हर घर जल देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार कछुए की रफ्तार से काम कर रही है। बताइए, ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? माताएं बहनें जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं, उनका दाना पानी बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करोगे क्या? आपके आशीर्वाद रहेंगे? साथियों, उसे माताओं, बहनों, बेटियों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन यहां की सरकार उसका उपयोग भी नहीं कर रही है।